हमारे धर्म में वैसे न्यूमरोलॉजी की बातें होती है जी ओके okay. हाँ अब, न, का मतलब क्या? चलो लेट स्टार्ट देर ओके okay, तो नौ तो नौ तो मैथमेटिकली भी अभी देखिए साइंस और माइथोलॉजी जो है जैसा आमतौर पर लोग मानते हैं माइथोलॉजी वर्ड कि नहीं हुआ था भाई लेकिन माइथोलॉजिकल सब चीज़े ना, चीज़ें ना ज्यादातर चीजें साइंटिफिक है तो साइंस और माइथोलॉजी जो है बहुत पास पास चल रहा है जैसे नौ जो है वो सिर्फ हमारे माइथोलॉजी में मैजिकल नंबर ऐसा नहीं है हुँ. वो मैथमेटिक्स में भी बड़ा मैजिकल है जैसे नौ, एक बड़ा सिंपल सी बात है नौ का पहाड़ा नाइन का टेबल सबको आता हो hmm. नाइन वन झा नाइन से लेकर नाइन टेनजाइनटी तक जितने अमाउंट्स ना उन सब के जो दो दो डिजिट होंगे नाइन टू जॉ से लेकर और नाइन टेन जो उन सब का टोटल नाइन ही आता है hmm. ऐसा किसी और डिजिट में नहीं होता ये तो मैथमेटिकल बात कर रहा हूं पहले मैं आपको एंशियंट स्क्रिप्चर्स के नाइन का जादू बताने की कोशिश करता हूँ नौ दुर्गा दस दुर्गा क्यों नहीं आठ दुर्गा क्यों नहीं नौ दुर्गा ही क्यों है? हमारे में नौ रस माने जाते हैं है ना हमारी जो पूजा होती है वो नौ ग्रहों की होती है, हमारे जो रत्न माने जाते हैं वो नौ रत्न होते हैं। आप देखिए कि अब इस पर तो किसी का वश नहीं है कि जो जो औरत जब पेट से होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा नौ महीने ही होता है दस महीने क्यों नहीं होता या आठ महीने क्यों नहीं होता और जब वही इंसान बच्चे से बड़ा होके बूढ़ा होके मर जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए भी हम नौ ग्रहों की पूजा करते हैं तो आप एक तरीके से देखेंगे ना तो हमारी हम, हम पैदा होने से पहले हमारे जन्म से पहले से लेकर और हमारे मृत्यु के बाद तक हम हर चीज में नौ के फेर में ही चल रहे हैं और मैथमेटिकली आप आएंगे तो सन का जो आउटर पेरीफेरा अगर आप डायमीटर जोड़ने जाएंगे तो जो टोटल माइल्स है आप अगर अर्थ के एक पॉइंट से शुरू करते हैं और पूरा घूम के अर्थ के उसी पॉइंट पर आते हैं तो जितने माइल्स हैं और मून में भी सेम तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी इन तीनों में आप एक पॉइंट से शुरू करके डायमीटर को अगर माइल्स में काउंट करेंगे उन तीनों का जो टोटल माइल्स का फिगर है वो अलग अलग है लेकिन उन तीनों का अलग अलग टोटल जो है ना वो नाइन है लाइट का जो स्पीड uh, है पर सेकेंड उसका टोटल नाइन है तो नाइन आपके हर जगह में ना वो अपनी जगह बनाया हुआ है नाइन्टी डिग्रीज का आप आधा कर लीजिए तो फोर्टी फाइव डिग्रीज का भी टोटल नाइन होता है नाइन्टी डिग्रीज का भी टोटल नाइन होता है उसका डबल आप कर लीजिए वन एट्टी डिग्रीज थ्री सिक्सटी डिग्रीज उससे और बढ़ा लीजिए उससे और घटा लीजिए ट्राइंगल पेंटोग सर्कल सिलेंडर एनी थिंग स्क्वायर सब का टोटल नाइन है तो ये ज्योमेट्री हमारे वश में नहीं है ना वो तो जो था वी हैव जस्ट डिकोडेडेड ऑल्सो मेरा बहुत जोर से मानना ये भी है कि हम लोग ज्यादा कुछ इन्वेंट uh, नहीं कर रहे हैं हम लोग ना हम डिस्कवर कर रहे हैं हम सब चीजें रीडिस्कवर कर रहे हैं hmm. क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंशंट पेजेस हैं जो हम लोग नहीं बचा पाए